2 मिनट हो गए, दूसरी साइड से भी देख लेते हैं। और बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही फ्लफी हमारा ऑमलेट बना है। तो मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी, तो जो तकरीबन हर घर में यूज़ होती है, पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल नाशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ लोगों को ये कंप्लेन होती है कि उनका ऑमलेट जो है फ्लफ़ी नहीं बनता, तो इसलिए मैंने आपको ये रेसिपी दी है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगले सिप तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से बहुत ही मज़ेदार और इजी वेजिटेबल एग ऑमलेट की रेसिपी देने जा रही हूँ। 5 मैंने अंडे लिए हैं, अंडे जो है वो चेक करके लीजिएगा। वेजिटेबल में आप जो यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैंने हरी मिर्चें ली हैं, कैप्सिकम ली है तकरीबन हाफ, 2 मैंने साइज़ के प्याज लिए थे और धनिया जाएगा। इसके अलावा कैबेज, कैरेट, जो मर्ज़ी आप यूज़ कर सकते हैं। स्पाइसेस, बहुत ही सिंपल सा ऑमलेट है लेकिन बहुत ही प्यारी सी इसकी लुक आएगी। 1 टीस्पून नमक जाएगा, 1 हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून वाइट पेपर और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर यूज़ कर रही हूँ मैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वेजिटेबल को सौते करेंगे, उसके बाद एग्स में शामिल करेंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून की 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल दिए मैंने। जो वेजिटेबल आप यूज़ कर रहे हैं उनको पहले सौते कर लें, पहले प्याज डाल दें और साथ ही शिमला मिर्च डाल दें, धनिया हम बाद में यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो ग्रीन चिलीज़ ली है मैंने वो भी मैं डालूँगी। बिल्कुल अलग सा जायका बन जाता है आम ऑमलेट से। आम ऑमलेट में हम आमतौर से जो कच्ची वेजिटेबल होते हैं वो डाल देते हैं, लेकिन अगर आप सौते करके थोड़ा सा बनाएंगे ऑमलेट और ज़्यादा अच्छा जायका हो जाएगा। बस हल्की हल्की सौते करनी है, आपने इनकी भुनाई नहीं करनी, बस सिर्फ उसको सौते करना है। बस इसे ज़्यादा नहीं करनी, इनको अब शामिल करते हैं एग्स में। एग्स ले लें, स्पाइसेस डाल दें, नमक, मिर्च, ब्लैक पेपर और चाट मसाला। स्पाइसी सब अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मिक्स कर लें। एक अच्छी तरह से बीट हो गए हैं, वेजिटेबल शामिल कर दें। कोरिएंडर शामिल कर दें, कोरिएंडर हमने सौते नहीं करनी, वैसे ही डालनी है। मिक्स कर लें, इस टाइम पे आप सॉल्ट वगैरह चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगता है तो आप ऐड कर सकते हैं। मिक्स हो गए हमारे तमाम एग्स, आए अब इनको फ्राई करते हैं। पैन गर्म हो गया है, कुकिंग ऑयल डाल दें। तकरीबन 3-4 टेबलस्पून जाएंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल गरम अच्छी तरह से होने दें। साथ ही अपना ऑमलेट डाल दें। 2 मिनट मैं इसको मीडियम फ्लेम रखूंगी, उसके बाद इसको लिड दे के बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दूंगी और लिड दे देंगे तो स्टीम में पक जाएगा हमारा एग। फिलहाल इसको थोड़ा सा वैसे पकने दें,
ऑमलेट हमारा पकना शुरू हो गया है, थोड़ा सा हिला दें, छेड़ना नहीं है अभी आपने इसको, और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 2 मिनट्स के लिए रख दें। जैसे ही थोड़ा सा पकना स्टार्ट होता है इसको देखते हैं, एक साइड से देख लेते हैं, एक साइड से हो गया हमारा ऑमलेट। बहुत एहतियात के साथ इसको चेंज करना है। ऑमलेट देख लेते हैं, तकरीबन 3 to 4 मिनट्स हो गए हैं, बहुत लो फ्लेम पे मैंने रखा हुआ है इसको, और एक साइड से ये पक चुका है। थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ, इसको बहुत ध्यान से हमने चेंज करना है, थोड़ी सी मैं और इसको दूंगी स्टीम। साइड मैंने चेंज कर दी है, इस तरह सा मैंने एक स्पैचुला सा लिया है। बहुत एहतियात के साथ इसको चेंज करें, और जब तक आप तसल्ली ना कर लें कि एक साइड से पक गया तब तक चेंज मत करें। दोबारा से लिड दे दें और 2-3 मिनट लगेंगे इस इधर दूसरी साइड पे भी।